5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। रविवार को देश के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने संबोधन के दौरान सलाह दी है कि हमको स्वमूल्यांकन करने के लिए आंतरिक तंत्र मजबूत बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के पास मजबूत और सक्षम आंतरिक मूल्यांकन तंत्र है जो पूरी कुशलता से काम कर रहा है। यह बात उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री सम्मेलन के समापन के मौके पर कही। उन्होंने यह भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा आंतरिक तंत्र पूरी तरह से कारगर है और प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। जब हम छुट्टी पर होते हैं या फैसला लिख रहे होते हैं या प्रकरण की तैयारी करते हैं तो हमें अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता। मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक तंत्र की सिफारिश पर एक जज के खिलाफ जांच कमेटी बैठाने पर विचार किया है। दूसरी ओर संसद द्वारा जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है। हमने इस सम्मेलन में फैसला किया है कि न्यायालयीन प्रकरण न्यायालय के अंदर 2 साल से ज़्यादा विचाराधीन ना रहे और 5 साल में उसका पूरा निस्तारण हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रकरण त्वरित रूप से निपटाए जाएं, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं। जज और जनता के अनुपात में बहुत ही असमानता है। देश में 6 लाख लोगों पर एक जज काम कर रहा है और आज इस बात पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को एक समान बनाने के लिए न्यायिक सेवा के गठन के बारे में विचार किया जा रहा है, ताकि पूरे देश में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति एक समान रूप से हो सके। मैंने सुना है कि मुख्य न्यायाधीश इस बारे में एक कमेटी बना रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकारें अदालतों की आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहयोग कर रही हैं। सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य सरकार केंद्र से समुचित सहयोग पाने में असफल रही है। उन्होंने यह कहा कि मानवीय हितों को देखते हुए न्याय के साथ विकास करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मानवीय हित केंद्रित करना सही मायने में न्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि अवर न्यायपालिका में आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस दिशा में सकारात्मक भूमिका रही है। दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका और सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है।
इसलिए बिहार में पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने के प्रस्ताव पर सहमति मिलनी चाहिए। यह सही है कि न्यायालय के अंतर्गत लंबित मामलों में कमी लाने के लिए उपयुक्त न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत होगी। राज्य सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रयास में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक है।